क्या आपको प्रेगनेंसी में हल्की हल्की स्पॉटिंग या ब्लड आता है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही आम समस्या है, लेकिन आम तौर पर आपके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं और पीरियड्स जाने के कुछ दिन बाद दोबारा से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो यही स्पॉटिंग है। मगर इस तरह के लक्षण अगर प्रेगनेंसी में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये नॉर्मल हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे मामले में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इस कंडीशन में डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं जिससे ये पता चल सके कि ये स्पॉटिंग आपके लिए नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी का संकेत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होना कब तक डरने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव शुरू करती हूँ अपनी इस नई वीडियो को। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस समय स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होना एक अलग बात होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जी घबराना, उल्टी आना, चक्कर आना, ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ महिलाओं को इस दौरान स्पॉटिंग या ब्लड डिस्चार्ज की समस्या देखने को मिलती है। अक्सर महिलाएं इसे मिसकैरेज समझकर घबरा जाती हैं, लेकिन हल्की स्पॉटिंग होना नॉर्मल होता है। दरअसल जब फर्टिलाइज अंडा यूट्रस की दीवार पर अपनी जड़ें जमाता है, उस समय कुछ बूंदे खून की गिरती हैं, जिसे स्पॉटिंग या ब्लड डिस्चार्ज कह सकती है। और प्रेग्नेंट महिलाओं में से करीब 20-30% प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी पहले 3 महीनों में ये प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग होती है। आमतौर पर ये लाइट पिंक या डार्क ब्राउन रंग की होती है। हालांकि इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंट्रल एब्रप्शन, गर्भपात या प्लेसेंट्रा प्रीविया का भी संकेत हो सकती है। लेकिन अगर स्पॉटिंग से ज़्यादा ब्लड दिखे तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं बॉडी फैट का ओव्यूलेशन और पीरियड के साथ काफ़ी अहम नाता है। आपके फैट सेल्स लेप्टिन नामक हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं और ये हार्मोन आपके पीरियड्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो आपको स्पॉटिंग की परेशानी हो सकती है। वहीं अगर आपके अंदर लेप्टिन हार्मोन की कमी होगी तो मिस पीरियड या लाइट पीरियड की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको बालों का झड़ना, सिर दर्द, हार्मोनल मुहासे, प्राइवेट पार्ट का सूखापन, निप्पल डिस्चार्ज, स्पॉटिंग, ऐसी समस्या हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वहीं स्पॉटिंग की एक मुख्य वजह ओव्यूलेशन होती है। जब ओवरीज ओव्यूलेशन में एक अंडा छोड़ता है तो अंडे को बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे फॉलिकल्स टूट जाते हैं, जो महिलाओं में हल्के धब्बे या स्पॉटिंग का कारण बनते हैं। ये एक दिन तक रहता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण भी कई बार आपको खून के धब्बे यानी कि स्पॉटिंग दिख सकती है। ये तब होता है जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, इसलिए इसकी भी जांच करवानी जरूरी है। लेकिन ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब भ्रूण यूट्रस में प्रवेश करता है। तब ये जानना मुश्किल हो जाता है कि आपका पीरियड आ गया है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं। इसलिए पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होने पर महिलाओं को पैड या टैम्पोन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी हल्की होती है कि कभी कभी इसका पता भी नहीं चल पाता और पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मात्र कुछ ही घंटों या कुछ दिन तक ही रह पाती है। लेकिन अगर यही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर तेज और कई दिनों तक आपको हो रही है, तो फिर ये मिसकैरेज का संकेत हो सकती है। इसलिए अगर स्पॉटिंग हो रही है तो संभव है स्पॉटिंग ना होकर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। इसलिए खुद से कुछ भी सोचने के बजाय आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अपना ध्यान रखें और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आप और आपका बच्चा सेफ रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उनसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।